तो दोस्तों 29 जून के दिन जीता हमने T20 वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया में लहराया तिरंगा और इस तिरंगे को लहराने की खुशी में डूबा हुआ पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी और सभी जश्न मना रहे थे, सभी इंजॉय कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, जिसने भी सेलिब्रेशन किया अपने अपने तरीके से सब सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई, इतनी बड़ी खबर कि जिसमें कहते हैं कि खुशी में एक उदासी सी छा गई, मायूसी सी छा गई। जी हाँ दोस्तों, ये खबर क्या है हम बताते हैं आपको। दोस्तों वर्ल्ड कप जैसे ही जीता टीम इंडिया ने, विनिंग मूवमेंट्स आए, ट्रॉफी हाथ में आई, उसके तुरंत बाद विराट कोहली ने अपनी T20 रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोल दिया कि मैं T20 में आज के बाद इंटरनेशनल T20 में कभी भी खेलते हुए आपको नहीं दिखूंगा और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, विराट कोहली का सबको लग रहा था कि हो सकता है वो लास्ट हो उनका, वो रिटायरमेंट लेंगे। उसके कुछ वक्त बाद में जब जश्न पूरा हुआ तो रोहित शर्मा गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो उन्होंने बोला कि शायद उन्होंने पहले ही मन बनाया हुआ था और हमने उन्हें समझाया भी कि अभी नहीं लेना, लेकिन उन्होंने फिर भी बोल दिया कि अब मेरा लास्ट हो गया है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोहित शर्मा ने भी बोल दिया कि ये मेरा भी आखिरी इंटरनेशनल T20 मुकाबला था। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले ली और फिर इन दोनों की खबरें बाजार में चली रही थी, चर्चाओं में चल रही थी। दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि दोनों के क्रिकेट फैंस इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अभी और रुक जाना चाहिए था। लेकिन उसके अगले दिन सुबह सुबह रविंद्र जडेजा ने भी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रविंद्र जडेजा ने भी अपनी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो एक के बाद एक तीन हमारे सीनियर दिग्गज खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जो खुशियां छाई हुई थी क्योंकि विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली, रोहित शर्मा ने जो सेमीफाइनल में उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारी खेली, जो कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे, सभी फैंस चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप जीत लिया, दिल भी जीत लिए, लेकिन दो साल बाद 2026 में हिंदुस्तान में होना है T20 वर्ल्ड कप, तो हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप खेल लेना चाहिए था दोनों को। और लोग बोल रहे थे अभी ना जाओ छोड़कर क्योंकि दिल अभी भरा नहीं। तो भाई दोनों के बहुत चाहने वाले हैं और दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस की, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा भी। तो फाइनली अब तीन सीनियर खिलाड़ी जो लगातार हमारी आन बान शान रहे हैं, हमारा तिरंगा लहराया, हमेशा हमें जीत दिलाई है। और इस विश्व कप में रोहित शर्मा ने जिस तरीके से एग्रेसिव अप्रोच के साथ में, टेम्पलेट के साथ बल्लेबाजी की, और फाइनल मुकाबले में विराट कोहली भी, तो भाई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। और तीनों हमारे खिलाड़ी अब T20 इंटरनेशनल में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे, रिटायर हो चुके हैं। अब उनका पूरा फोकस होगा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी है 2025 में, और 2025 फरवरी के महीने में ही होनी है चैंपियंस ट्रॉफी जो कि ODI फॉर्मेट में खेली जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स की तरफ अब इन सीनियर खिलाड़ियों की नजरें हैं। T20 वर्ल्ड कप में फतह कर ली है, वनडे वर्ल्ड कप अब दोबारा नहीं खेल सकते, वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी है उनके पास मौका, और टेस्ट में WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जब से सुनी है तब से दिल थोड़ा सा सहम सा गया है क्योंकि बहुत प्यार करते हैं हम इन्हें, अभी और खेलते हुए देखना चाहते थे और चाहते थे कि हिंदुस्तान के स्टेडियम में पूरे क्राउड के बीच में हम लोगों की मौजूदगी में आखिरी अपना मुकाबला खेल के रिटायरमेंट अनाउंस करते। लेकिन उनका फैसला है, उन्होंने जो चाहा था, जो देश ने उनसे मांगा था T20 वर्ल्ड कप, वो उन्होंने हमें जिता के दिया, कैसे भी जिताया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वजह से हम जीते। तो हम आज के बाद T20 इंटरनेशनल में नहीं देखेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को। इसी तरीके की और अपडेट कोई भी आएगी हम अपने स्पोर्ट्स टॉक क्रिकेट चैनल पर आपको जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।